नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गेश गाजरी और आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर न्यूज। न्यूज चैनलों पर भले ही हिंदू मुस्लिम नेता उलझते हुए दिखाई देते हों, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। केरल में 23 अगस्त यानी बकरीद के दिन जब बाढ़ की वजह से मस्जिद पानी में डूब गई तो हिंदुओं ने ईद की नमाज अदा करने के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए, जहाँ 300 से ज्यादा मुसलमानों ने बकरीद की नमाज पढ़ी और अपने खुदा का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां लोग धर्म से ज़्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। मंदिर में बकरीद की नमाज पढ़े जाना भी हिंदू और मुसलमानों की आपसी मोहब्बत का एक नमूना है। केरल में बाढ़ से पैदा हुई मुसीबतों का सामना कर रहे लोग भूल गए हैं कि उनका धर्म क्या है और वो कौन सी जाति से संबंधित हैं। उनका एक ही धर्म यानी इंसानियत बाकी बचा है। वो जात और धर्म को भुलाकर एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर एक दूसरे की जान बचाने से भी पीछे नहीं हट रहे। उन्हें ना हिंदू याद है और ना ही मुसलमान, अगर कुछ याद है तो वो है इंसानियत। जहां देश में कुछ कट्टरपंथी और धार्मिक नफरत फैलाने वाले लोग मुसलमानों को पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश भेजने की बातें करते दिखाई देते हैं, तो वहीं 23 अगस्त यानी बकरीद के दिन केरल के हिंदुओं ने पूरा मंदिर ही मुसलमानों को सौंप दिया ताकि वो ईद की नमाज पढ़ सकें। हालांकि यह नज़ारा देखकर उन लोगों के सीने पर नश्तर चल रहे होंगे जो हिंदू मुसलमान एकता के मुद्दई नहीं हैं। मंदिर में अल्लाहू अकबर की आवाज़ सुनकर तंग दिल और मौका प्रस्त लोगों की नींद ही उड़ गई होगी। अपने धर्म की असल तस्वीर पेश करने वाले इन हिंदुओं ने मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगा फसाद करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। आपको बता दें कि देश का सबसे खूबसूरत और समृद्ध राज्य है केरल। 8 अगस्त को आई बाढ़ के चलते यहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हालांकि विपदा की इस घड़ी में भी केरलवासी देश की गंगा जमुना संस्कृति को नहीं भूले। दरअसल केरल में आई बाढ़ से राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए। त्रिशूर जिला भी उन्हीं में से एक है। जिले की प्रसिद्ध कोचू कावड़ मस्जिद भी बाढ़ के पानी से डूब गई। कल बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के सामने नमाज अदा करने की समस्या उत्पन्न हो गई। उनकी समस्या को समझते हुए मंदिर के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद मंदिर के हॉल में सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की। इस मंदिर का इस्तेमाल बीते कई दिनों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया जा रहा है। नमाज के बाद सभी लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी की। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा जब मंदिर में मुसलमानों ने सभी केरलावासियों की बाढ़ से बचाव के लिए प्रार्थना की। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। राज्य के मल्लापुरम जिले में भी एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला। यहाँ की जुमा मस्जिद को हिंदू परिवारों के लिए खोल दिया गया। बाढ़ की वजह से बेघर हुए 26 परिवारों ने मस्जिद में शरण ली है। इनमें से 17 परिवार हिंदू समुदाय से संबंधित हैं, जिनके खान पान की व्यवस्था मस्जिद की ओर से की जा रही है। किसी ने सही कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा। जहां एक तरफ त्रिशूर जिले के मुस्लिम मंदिर में बकरीद की नमाज पढ़ रहे थे, वहीं मल्लापुरम जिले की एक मस्जिद ने 17 हिंदू परिवारों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। जुम्मा मस्जिद को हिंदू परिवारों के लिए खोल दिया गया। बाढ़ की वजह से बेघर हुए करीब 26 परिवारों ने मस्जिद में शरण ली। इसमें से 17 परिवार हिंदू समुदाय से थे, जिनकी हिफाजत की व्यवस्था मस्जिद की ओर से ही की गई थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। केरल के दूसरे क्षेत्रों में भी मुस्लिम अपनी जान को खतरे में डालकर हिंदू परिवारों की सहायता कर रहे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन और छात्रों ने भी वो कर दिखाया जो शायद कोई करोड़ों रुपए लेकर भी नहीं कर सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाढ़ से प्रभावित एक ऐसे मंदिर की सफाई की जिसे साफ करने से नगर पालिका ने भी इनकार कर दिया था। बता दें कि केरल में बाढ़ के बाद यहां का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। एक ओर जहां बाढ़ ने हजारों लोगों के घर छीन लिए, तो दूसरी ओर इस बाढ़ ने केरल को दूषित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां इतनी गंदगी है कि लोगों को यहां भयंकर बीमारी और महामारी का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर्स न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज़।